शिवसेना के कार्यवाहक अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से सीधी बात। अरे कभी मैंने सुना नहीं था ये बालाघाट के कि फिल्म एक्टर को आप टिकट दे दो, अपने कार्यकर्ता की टिकट काट दे, तो उद्धव को फिल्म एक्टर उनके अंदर हर हर क्षेत्र से अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए। और आदेश बांधे कर जो आए हैं वो एक काम करने के लिए अच्छी व्यक्ति है, और सिर्फ वो फिल्मों में काम करते हैं, शूटिंग के लिए घूमते हैं, ऐसे नहीं है। आज तक उन्होंने, मुझे नहीं लगता किसी मुख्यमंत्री ने या मंत्री ने इतना महाराष्ट्र देखा होगा। 7 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा उन्होंने ट्रैवल किया है पूरे महाराष्ट्र में, घर घर में जाते हैं, बात करते हैं, उनकी व्यथा और उनके जो दुख है उनको समझने की कोशिश करते हैं। और अगर अच्छी व्यक्ति राजनीति में आती है तो किसी को आपत्ति होने की नहीं है। बाला साहब ठाकरे अपने आप एक शक्ति है, आज भी है, उनको जरूरत नहीं थी ऐसे लोगों के ला करके चुनाव जीतने की, आज भी है। और यही मैं कहता हूँ कि हमेशा हम कहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए। अच्छे लोग आने चाहिए, जो सिटिंग आपका एमएलए थे बैठा है, आप उसको डिनाई करके टिकट दूसरे को फिल्म स्टार को दे दे, तो ये लगेगा फिल्म स्टार को टिकट दे रहे हैं। ऐसी बात, अच्छे व्यक्ति को कहीं और से ले सकते हैं। ये फिल्म स्टार सिर्फ फिल्म स्टार नहीं है, ये जो हमारे कहते हैं ना आम आदमी, सामान्य मानुष, ये हमारा आम आदमी का प्रतिनिधि है। एक बात बताओ, आपको वोट लोग क्यों दे रहे हैं, किस बात के लिए? सीधी बात है। सीधी बात क्या है, मैं भी पूछ रहा हूँ, मेरा कोई कार्यक्रम करना भी यही, इसीलिए सीधी बात है। लोग परेशान है, आप मुझे बताइए हमें वोट क्यों ना दे और कांग्रेस को क्यों दे? ऐसे कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी ने क्या किया है कि वो वोट मांगने की हिम्मत करे? बिजली का उत्पादन कितना किया पता नहीं, इंडस्ट्री कितनी लगी मालूम है आपको, नैनो की फैक्ट्री भी पहले चली गई बंगाल में, फिर चली गई गुजरात में, क्यों नहीं महाराष्ट्र सरकार ने वो महाराष्ट्र में लाई? ऐसे की अच्छा एक बात और है कि हमने कई बार सुना है उस वक्त के मुख्यमंत्री थे विलासराव जी देशमुख, कई बार विदेश गए, गए और आए, कहा तो गया कि मैं जा रहा हूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कहां गई इंडस्ट्री? रूरल एरिया में तो हम जीते, नहीं महाराष्ट्र में, ये तो बात है रूरल और अर्बन, आपकी सीटें कम हुई नहीं, एक सीट कम तो बढ़ी, एक सीट कम नहीं बढ़नी तो चाहिए हमेशा, ये तो अपेक्षा की जाती है कि हमें तो जीतना चाहिए, लेकिन शहर और गांव ये जो विभाजन हुआ इसमें शहर में हम पिछड़ गए। अब उस वक्त जो चुनाव था वो देश का चुनाव था, लोगों ने शायद शहर के लोगों ने सोचा होगा कि भाई देश का चुनाव है, देश का नेता कौन बनेगा पूरा देश तय करेगा, मैं मेरा जो वोट है दे दूंगा किसी और को। मुंबई में 2004 में भी हम एक ही सीट जीते थे, जितना तो और चाहिए था और जीतेंगे। और यही मैं कहता हूं कि अब मुंबई में ये वातावरण है कि अरे जाने अनजाने में भूल हो गई, लोग जो है शायद एक बार बहकाव में आ सकते हैं, बार बार नहीं आ सकते। अब उनको पता चला है कि किसी और को वोट दिया तो वो सिर्फ कांग्रेस को उसका लाभ होता है, उन्होंने कांग्रेस को, कांग्रेस नहीं चाहिए इसलिए किसी और को शायद वोट दिया होगा, लेकिन उनको वोट दिया तो उसका लाभ कांग्रेस को होता है। अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मतदाता जो है वो कांग्रेस को मदद नहीं करेंगे। कांग्रेस और एनसीपी एक गठबंधन है, बीजेपी शिवसेना एक गठबंधन है, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि आपका गठबंधन जो है उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव एजेंडा है, ये कह देना कि ये काम नहीं हुआ वो नहीं हुआ, परंतु आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। काम नहीं हुआ ये निगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव क्या है, जब हम सत्ता में थे यही तो मैं कहता हूँ कि हमने उस वक्त मुंबई में फ्लाईओवर की शुरुआत किस की, फ्लाईओवर अभी आप आते आते तंग हुए थे ट्रैफिक से, आप ही परेशान थे, लालबाग से शिवसेना भवन आते आते आपको कितना, एक घंटा लग गया, सवा घंटा लग गया। उस वक्त हमने जो फ्लाईओवर बनाए उसके बाद कांग्रेस ने नया क्या किया, एक छोटी बात जो बड़ी हो गई, ये जो सीलिंग ब्रिज बना है उसकी शुरुआत मेरे पिताजी के हाथों से, माननीय बाला साहब जी के हाथों से उसका भूमि पूजन हुआ था। उस वक्त अपेक्षा थी कि 2004 तक ये जो सीलिंग ब्रिज है वो बरेली तक पहुंचेगा और 2009 तक, मतलब आज के दिन वो पहुंचना चाहिए था नरेंद्र मोदी, बड़े मुश्किल से 2009 में ये ब्रिज वर्ली तक पहुंचा है, वो भी आधा आधा पैसे तो 600 करोड़ उस वक्त 600 या 700 करोड़, अब 1600 करोड़ हो गए, किसका पैसा गया, और 1600 करोड़ में आधा ही ब्रिज। आपकी सरकार बदलनी चाहिए सरकार, आज तो मेरे नहीं ये लोगों की मांग, लोग की मांग तो रद्द आ करता है, वो हर बार करते हैं, पर सवाल ये है कि फैशन हो गया, लोग चीफ मिनिस्टर को वोट देते हैं, यहाँ तो आपका किसी प्रश्न है कि आपको चुनाव लड़ेंगे तो लोग किसको वोट देंगे, कौन सी विचारधारा, को शिवसेना की विचारधारा या बीजेपी की विचारधारा?
विचारधारा, दोनों की विचारधारा एक है। हमारा जो गठबंधन है वो तो दिना में विश्वास करते हैं, आप नहीं, दो हो सकती है, अलग अलग बात हो सकती है, उनकी अपनी बात अलग हो सकती है, लेकिन हमारे जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम जो होता है वो क्या है, वो है हिंदुत्व। और हिंदुत्व का मतलब ये नहीं कि हम सांप्रदायिक है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो विकास की बात है, गांव गांव में जा रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की चीफ मिनिस्टर होना चाहिए ना, चीफ मिनिस्टर बनाना है इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे। कौन बनेगा? महाराष्ट्र को बदलना है, महाराष्ट्र को बदलना है इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे बाकी प्रदेशों में नरेंद्र मोदी है या रमन सिंह है, शिवराज है, बहुत सारे लोग, शीला दीक्षित है, सब लोग नाम जो भी शिवसेना की ओर से मैं कहूँ ये अधिकार बाला साहब का है। पिछली बार भी जब हम चुनाव जीते थे तब भी हमने चीफ मिनिस्टर का नाम जाहिर नहीं किया था, और उस वक्त जो भी व्यक्ति बाला साहब कहेंगे वो बनेगा चीफ मिनिस्टर। मेरी ये सवाल मुझे किसी और ने भी पूछा था कि आपकी पार्टी मतलब शिवसेना रीजनल है, तो मैंने कहा रीजनल जरूर है लेकिन साथ में ओरिजिनल है। और ओरिजिनल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप महाराष्ट्र की पार्टी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ शिवसेना है। बाला साहब ने जब शिवसेना की स्थापना की तो और किसी पार्टी में नहीं थे, अपना स्थान उस पार्टी ने बना लिया और अपने मतलब के लिए पार्टी छोड़ी और नई पार्टी बनाई। ये पाप शिवसेना प्रमुख जी ने नहीं किया है, उन्होंने अपने विचारधारा और अपने एक जो ताकत है उस आधार पर शिवसेना की स्थापना की। किसी का एजेंडा वो चुरा है। आज के रीजनल इंडिया जो है नॉर्थ इंडियन को बाहर निकाल दो, उसके सहमत है क्या? एक बात समझने की आवश्यकता है, हर एक चीज की सीमा होती है। आप जैसे एक ग्लास पानी है, कितना पानी उसमें रहेगा? हर एक प्रांत की अपनी अपनी सरकार है। मान लो महाराष्ट्र की सरकार है, गुजरात की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, बिहार की सरकार है। हर एक प्रांत की सरकार की जिम्मेदारी है अपने लोगों का ख्याल रखे, उनको सुविधा दे। आज तक मैंने कभी ऐसे नहीं देखा है कि किसी ने आके कहा कि अरे क्या करूं मैं घर में परेशान हूँ, खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है, इसलिए मैं भीख मांगने के लिए घर छोड़ रहा हूँ। घर में मजबूरी है, सरकार काम नहीं दे रही है, सरकार जीने के लिए कोई रास्ता नहीं दे रही है। भारत की बात क्यों नहीं करते? मैं भारत की तो बात कर रहा हूँ, भारत ये सब ये सारे जो हिस्से भारत की तो है। तो आप तो राज्य की अपनी सरकार, फिर राज्य की सरकार क्यों बनी? राज्य की सरकार बनी बनी आपने लोगों को काम देने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए। तो वो वहां की सरकार काम नहीं कर रही है, उसका दोष आप हम पर क्यों ला रहे हो? बिल्कुल नहीं है, हर एक प्रांत की सरकार ने अपना काम करना चाहिए। महाराष्ट्र में हमारी सरकार आएगी तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए जरूर काम करेगा। बाकी लोगों को नहीं निकालोगे ना? बाकी लोग मतलब बांग्लादेशियों को अपना मानेंगे? बांग्लादेशी को निकालेंगे? बांग्लादेशियों को निकालने की बात कोई नहीं कर रहा है। नहीं, आप बांग्लादेशी उनका अधिकार क्या है? अपने जो पानी है, अनाज है, उसके ऊपर बांग्लादेशी उनका क्या अधिकार है? बाला साहब की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की टीम, क्योंकि आपकी अपनी टीम बन रही है, लगता है कि आपको ओरिजिनल टीम जो है उनके ऊपर शायद पूरा विश्वास नहीं होगा, इसलिए आप अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं। नई जनरेशन तो आई है, नई जनरेशन उनके टीम पे विश्वास नहीं है? बिल्कुल है, वो साथ है मेरे। नहीं, वो तो आपके साथ है, पर उनकी टीम की बात है। टीम तो बिल्कुल साथ है, आज भी सारे लोग काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे एक नई शिवसेना खड़े कर रहे हैं, नई जनरेशन खड़ी कर रहे हैं। मतलब जो आपके पास लोग जो है आस पास, उसमें नई जनरेशन, जो आपने कहा अच्छी बात है ना, तो समय के साथ आगे जाना चाहिए। और साथ में अपने बुजुर्ग लोग भी है, वो भी साथ है, दोनों का मिलाप, ये बड़ी एक सौभाग्य की बात होती है जो शिवसेना में है। आखिर से आपका सपना, अपना सपना क्या है? मेरा अपना सपना बाला साहब को अपनी पार्टी को विजयी करके दिखाना। तो अगर आप नहीं जीते तो ये चुनाव आपकी व्यक्ति का चैलेंज है ना, इसके बावजूद अगर ये चुनाव अगर आपके लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है, आखिरी चुनाव है आपके लिए, कैसे आप ही नहीं कि आपकी भी शुरुआत है? ये तो शुरुआत है और शुरुआत में ही मैं जीत कर दिखाऊंगा। अगर आप हार गए तो ये हार, अगर अगर की बात ही नहीं, मैं जीतूंगा। नहीं, उद्धव ठाकरे की हार होगी या बाला साहब की? हार की बात ही नहीं है, मैं हार मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि पिछले 5-10 साल में जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, खास करके पिछले 5 साल में, अब चलो मेरे साथ, चलिए मेरे साथ और देखिए लोग क्या कहते हैं। उद्धव का पॉलिटिकल फ्यूचर है, इसे इलेक्शन पे डिपेंड करता है। मेरा फ्यूचर कोई, मेरे फ्यूचर की क्या आवश्यकता है, लेकिन जनता का फ्यूचर, महाराष्ट्र का फ्यूचर। इस बार अगर दुर्भाग्य होगा कि कांग्रेस जीतेगी तो महाराष्ट्र खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर असर नहीं होगा कोई हार जीत का? मेरे व्यक्तिगत मैंने सपने नहीं देखे इसमें, मैं ये काम कर रहा हूँ जनता के लिए कर रहा हूँ, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है। इस टाइम ये जो साल है, ये गोल्डन जुबली साल है महाराष्ट्र का। मुंबई महाराष्ट्र को मिलने के बाद 50 साल होने जा रहे हैं इस आने वाले 1 मई। एक सेंटेंस में पूछो कि आपका सपना है क्या दोबारा से बोले?
मेरा सपना मेरे पिता मतलब बाला साहब जी को अपनी पार्टी को विजयी करके दिखाना और बाद में महाराष्ट्र की जो जनता है जिनके घर में अंधेरा है उनके घर में उजाला लाना, ये मेरा सपना। चलो 13 अक्टूबर के बाद आपसे पूछेंगे जब 22 अक्टूबर को गिनती शुरू होगी। आप जरूर आइए हमारे साथ विजय सभा में, मैं आपको बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा। आज ही मैं आमंत्रित करता हूँ। चलो हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय महाराष्ट्र।